अरे भाई ये क्या है? ठीक है, टूना टूट कर रखा हुआ अंदर। ये मतलब है कुछ है। अरे क्या है बताओ ना। मेरी लिपस्टिक है। नहीं, ये लिपस्टिक है? हाँ बेबी, 5,000। 5,000 की लिपस्टिक? बेबी ऐसे खुलती है, ये देखो ऐसे खुलती है। इसकी 5,000 ले लिया उन्होंने। तो मैं अपनी शौक भी पूरे नहीं करूँ फिर। तुम्हें पता है 5,000 रुपए में तो मैं अपना पूरा मुंह बदलवाऊं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुबह का दिन है और बज रहे हैं दिन के मेरे ख्याल से ये 11 बज रहे हैं और मैं तैयार हूँ, अविनाश तैयार हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं आज लंच पे बाहर अपने फ्रेंड्स के घर पे। उन्होंने नया घर लिया है तो वहीं पे जा रहे हैं आज। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रही है। बेटा खाना नहीं खाया तूने? खाना क्यों नहीं खा रही है बेटा? चोनी वेरी बैड। खाना नहीं खा रही है, ये नाटक कर रही है। और दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, ऐसा ही है बस, और बाकी कुछ नहीं, लाइट मेकअप एंड आई एम रेडी। तो क्योंकि अभी अविनाश नहाने गया हुआ है तो मैं अपनी कुछ बनाऊंगी कॉफी, जिसके लिए आप लोग भी कितना तरसते हैं। आई नो इट। आप बोलो नहीं बोलो, कितना भी बोलो कि क्यों कॉफी दिखाती होती है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी कॉफी देखना बहुत पसंद है। जितने लोग स्पेशली बोलते हैं ना कि कॉफी कॉफी कॉफी, कितना कॉफी दिखाती हो, हमें नहीं देखनी कॉफी। मुझे पता है आप लोग देखना चाहते हो। कॉफी बनाने जा रही हूँ और कॉफी का सामान आ चुका है। ये रही कॉफी। कौन सा कप लूं मैं? इधर से देखती हूँ कोई कप। आज ये वाला लेती हूँ। चलो नहीं, ये नहीं ले रही, येलो कप लेती हूँ। ठीक है, ये लूं। सो आई एम स्टीलिंग हिज लास्ट नेम। चलो आज ये वाला ले लेती हूँ। तो थोड़ा हम धो लेंगे। जो भी कॉफी लवर्स हैं वो मेरे साथ कॉफी की खुशबू ले सकते हैं। मेरे घर से बढ़िया कॉफी एक्चुअली कहीं की नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। मेरे घर में सबसे अच्छी कॉफी मिलती है। तो अभी जैसे अविनाश आता है मैं आपको मिलवाती हूँ। मेरी कॉफी तैयार, मैं जरा कॉफी पी लूँ बैठ के और फिर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख सकते हो आज कई दिनों के बाद मैंने एक अतरंगी सी शर्ट पहनी है, मेरी फेवरेट शर्ट है। वेलकम बैक हो चुका है, मैं कर चुकी हूँ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये उतारो और बात करो, ठीक है ना? वेलकम बैक, सब कुछ हो गया, कॉफी पी चुके हैं दो लोग मेरे साथ। ठीक है, दो लोग कौन थे वो? दो लोग मतलब हम लोग। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं अपने एक दोस्त के यहाँ। कितना नकली बोल रहे हो। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं अपने एक दोस्त के यहाँ लंच करने, जिसके यहाँ पिछली बार भी गए थे। वो मंगाता है हफ्ते में एक दिन अपने घर छोले कुलचे और बुलाता है हमें, और हम जाते हैं छोले कुलचे खाते हैं, दिल्ली छाप खाना खाते हैं वहाँ पे। बेबी कितना झूठ बोल रहे हो, उन्होंने नया घर लिया है और वहाँ जा रहे हैं हम। वहाँ जा रहे हैं लेकिन लंच में तो छोले कुलचे ही है ना। ये पता नहीं, ये नहीं पता ना, हमारी अंदरूनी बात हो गई है। मैंने बोला था छोले कुलचे मंगा लेना और मैंने उससे भी कहा था कि हम जल्दी आ जाएंगे। चलो मैं रेडी हूँ एकदम। टाइम भी तो बता दो, कितने बजे रेडी हुई हो तुम? 12:00। हेलो, आपसे पहले रेडी हुई हूँ। मैं रेडी होकर ब्लॉगिंग कर रही थी और आप नहाने गए थे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमेशा मुझे गिराने की जरूरत नहीं है। ये राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय वाले बच्चों की स्कूल की शर्ट क्यों पहनी है? कौन सी विद्यालय? राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय। चलो तो गाड़ी कौन सी निकलेगी आज? लाल गाड़ी, लाल गाड़ी, लाल गाड़ी, लाल। कितना गंदा गाना है। उड़ी बाबा कितना गोड़मी रे बाबा, ये हुड़ी बाबा गोड़मी से हमारा गोड़ जल गया। बैग पीछे रखो। बैग मेरी गोद में क्यों रख दिया? पीछे रख दो ना, मेरा मास्क भी इसमें डाल दो। चश्मा नहीं लगाओगे आज? क्यों लगा लो, नहीं लगा लग। अरे भाई ये क्या है? ठीक है, टूना टूट कर रखा हुआ अंदर। ये है मतलब? मतलब है कुछ है। अरे क्या है बताओ ना। मेरी लिपस्टिक है। नहीं, ये लिपस्टिक है? हाँ बेबी, 5,000। 5,000 की लिपस्टिक? हाँ बेबी ऐसे खुलती है, ये देखो ऐसे बंद हो जाती है। खुलने ऐसे खुलती है? इसकी 5,000 ले लिया उन्होंने? ये देखो ऐसे खुलती है, इसके अंदर से ऐसे लिपस्टिक निकलती है, फिर आप इसको ना ऐसे लगा सकते हो। बेबी इन्होंने तुम्हें एक शीशा दे दिया, उसके तुमसे 5,000 रुपए ले लिए और तुम दे आई? मेरे कोई भी, मैं शौक नहीं पूरे करवाती हूँ इसलिए एक ले ली थी। बेबी तुम्हारे शौक अब खत्म हो चुके हैं, सारे पूरे हो गए इसलिए तुम्हें लग रहा है ऐसा। हे राम, 5,000 की लिपस्टिक? भैया तुम जानो तुम्हारी लिपस्टिक, डालो इसमें। तो मैं अपने शौक भी पूरे नहीं करूँ फिर। बेल्ट लगाओ। तुम्हें पता है 5,000 रुपए में तो मैं अपना पूरा मुंह बदलवाऊं। तब भी तुम्हारा मुंह वैसा का वैसे ही रहेगा। 5,000 में नए होठ लगवा लूं, नई नाक लगवा लूं, नए बाल लगवा लूं और हर 6 महीने में अपना मुंह बदलूं, अपडेट करूं मुंह, अविनाश 2.0, अविनाश 3.0। अरे लड़कियों के कुछ शौक होते हैं। अरे क्या शौक होते हैं, होठ का रंग ही तो ईंट फोड़ के पाउडर लगा लो। पुराने जमाने में महारानियां फूल की पत्तियों को रगड़ के होठ पे लगा लेती थी और इतने खूबसूरत पंखुड़ी जैसे होठ होते थे उनके। तुम्हें कैसे पता? तुम उधर उनके दरबान होते थे क्या? नहीं पढ़ा है मैंने, उसी से पीस के बन जाती थी लिपस्टिक। आया बड़ा मैच लगा।
बेबी तुम मुझे 5,000 रुपए दो, मैं तुम्हें 3 नए होंठ लाके देता हूँ, अलग अलग कलर के, ठीक है, बदल बदल के लगाती रहना उनको मुंह पे, चोर बाजार में मिलते हैं, ठीक है, होंठ हाँ, वो जैसे वाले ऐसे बने होते हैं। जिंदगी खुल के जीना चाहिए। अरे बहुत ज्यादा खुल गए हैं, सब पैसे बाहर गिर गए हैं खुल के। ऐसी खुली बीवी मिल जाए ना तो पूरा खोल दे आदमी को। मैं काम कर रही हूँ, खरीद सब चीज़। इसीलिए कपल में एक आदमी अगर खुला है तो दूसरे को बंधा होना जरूरी है। तुम बंधे रहो, तुम अपनी बंधी हुई जिंदगी रस्सी खरीद दूं। चूज एंड चेरी, चूज एंड चेरी हिंदी में देखो कैसा लिखा है, चूज एंड लेफ्ट, इधर से ही। यू नो हम लोग इनके घर पहुंच गए हैं एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस यार। मैं यहां से दिखा देती हूं, अवॉइडिंग फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स बिकॉज दे डोंट वांट टू कम इन द पिक्चर। ये है, अरे यार आ गया ये, अरे यार अच्छा ये जल्दी से। सो दिस इज द लिविंग रूम एंड बाकी मैं आपको दिखाती रहूंगी बीच बीच में, बट जो मेरा फेवरेट सेक्शन है क्योंकि उसमें खाना भी मिलेगा मुझे भी, वो ये रहा। पता नहीं इतना कैसे सजा लिया संदीप, दैट्स वी कॉल हिम पीपी बट हिज नेम इज प्रणव एंड ही इज फ्रॉम वापी गुजरात ना, एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम मियोस। गुप्त रोग विशेषज्ञ है ये। ये जब भी मेरे को कोई गुप्त रोग होता है तो विशेषज्ञ को उसकी सलाह ली जाती है। सो ही इज अ गायनेक, लेडीज लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ये। एंड दैट संदीप, हेलो, जिनके घर पे आए हैं, इनका कमरा बहुत खूबसूरत है। मैं जरा इनका आना आशीष, इसका कमरे, इसके कमरे में लोड के आती हूँ मैं जरा। ये इसका कमरा है, ये इतना सुंदर, वैसे तो ये कमीना बुलाएगा नहीं लेकिन अब आ गई हूँ घर में तो लेट लेती हूँ लोड। नए घर में आके कुत्ते लौटते ना, वैसे लौटूंगी मैं इसके इसके घर को गंदा करके जाऊंगी ना, इतना सुंदर घर कैसे ले लिया। डायरेक्ट 3 बेडरूम्स ना, 3 है ना इसके बेडरूम, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया भाई, हमारे पास तो नहीं है, ये बस कितना कैसे आया, आया तो जलन जलन अंदर भी जलन नहीं हो रही देख के घर, नहीं जलन थोड़ा नहीं जरा भी ना, वेरी हैप्पी, इतना सा इतना भी नहीं बोल नहीं पा रहा ना तू, नहीं देखो कुछ भी हो जाए कि दोस्त दोस्त जब बहुत आगे निकलता है देखो थोड़ी बहुत तो जलन, थोड़ी बहुत तो देखो जलन होती है। बहुत खूबसूरत घर ले लिया है आपने, इतनी सी तो जलन देखी हुई है अंदर। मैं मुकेश को फ्रेम में ले लिया, मैं नहीं रो पाई, दैट्स मुकेश जो हमेशा आता नहीं है कभी भी फ्रेम में, बट आज पकड़ा गया मुकेश, अर्ध नग्न अवस्था में पकड़ा गया है, एंड ही ओन्स दिस लाविश हाउस। एंड आई वांट टू टेल एवरीवन कि मुकेश करते क्या हैं, ये लाविश हाउस लेने के पीछे क्या राज है सर आपका। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद, एवरीवेयर आपने एंड स्टोर्स देखे होंगे। सो एंड स्टोर के फाउंडर मेरा दोस्त है, तो जब भी मैं एंड में शॉपिंग करने जाती हूँ मुझे 20% डिस्काउंट भी दिलवाते हैं ये, लेकिन फ्री में कभी कुछ ना मिला। क्लोथिंग ब्रांड ना पता चला, कुछ और सोच रहे हो, एंड एंडी एंड ग्लोबल देसी के फाउंडर है ये। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल नो, बहुत लोग शॉपिंग करते होंगे एंड से, तो अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो ये इंसान आपको कतई नहीं देगा, ये सीधी आदमी है, ये डिस्काउंट नहीं देते हैं, इसी की वजह से घर लिया गया है ताकि पैसा एक जगह आ जाए, इधर उधर ना बिखरे। बट आई एम सो हैप्पी यार, अविनाश कुछ नहीं बोल पा रहे। अविनाश कैसा लगा घर? मजा आ गया, मैं देख रही हूं कितना रिलैक्स हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अपना घर है। नहीं नहीं ज्यादा मत सोचो, ये आपका नहीं है, आपका अपना घर नहीं है, जितनी देर उतनी देर मजे तो कर सकते हैं, उतनी देर मजे कर सकते हैं। हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, सालों से, कितने साल हो गए, 15 सालों से हम लोग दोस्त हैं। एंड मैं आपको बता दूं, स्ट्रगल टाइम में भी जब मैं कुछ नहीं कर रही होती थी, आई यूज टू कम नॉट हियर, दे यूज टू स्टे वेरी क्लोज टू माय हाउस, और वहीं पे इसके घर पे जाती थी मैं, इनके घर पे, और मम्मी के साथ जाके सो जाती थी, खाना खा के वहीं पे सोती थी, फिर चाय पीती थी, फिर निकलती थी, मेरा डेली का किस्सा था। थैंक यू मेरे को पनाह देने के लिए, जब मैं स्ट्रगल टाइम में जब कुछ नहीं था तो आपने मुझे खाना खिलाया।
एक हेयर स्टाइल देख लो और ये सामने से देखो कितना क्यूट है ये. आई रियली लव दिस हेयर स्टाइल यार. मैं जस्ट मेट देम ऑल ऑफ देम. व्हाट्स योर गुड नेम? खुशबू. और खुशबू मम्मी बहुत प्यारी है और खुशबू के बेटे भी बहुत प्यारे हैं. आई रियली लव दिस हेयर स्टाइल. बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को. तो जी मैंने मेरे बेबी को मना लिया है कि आज की छुट्टी बेबी की. बेबी आज मेरे साथ ही रहेगा. आज हम लोग हमारा दिन स्पेंड करेंगे. मतलब ये ऐसा होता नहीं है कभी मेरे को. मैं हमेशा अकेली रह जाती हूँ. अकेले ही घूम. अरे रे रे रे. अरे रे रे रे. तुम कभी भी मुझे टाइम नहीं देते हो. मैं अकेली दर दर भटकती हूँ. और जो तुम उठती 12 बजे हो सुबह के 6 घंटे ऐसे निकाल देती हो उस टाइम का क्या? काम भी तो करती हूँ. जब करती हूँ तो काम करती हूँ ना. लेकिन उस टाइम तक मैं बिजी हो जाता हूँ ना. उसके करती रहो काम. आज हम लोग जा रहे हैं. अभी हम लोग पहले कॉफी पियेंगे और उसके बाद हम लोग मॉल चलते हैं. बेबी मॉल नहीं बहुत तक जाते हैं. तुम तो कहते हैं ना मेरे साथ स्पेंड करोगे जब भी मैं कहूंगी. चलो ठीक. तो दोस्तों जो लास्ट क्लिप आपने देखी उसके बाद हम लोग चले गए सीधा मॉल. उसके बाद कोई ब्लॉगिंग हुई नहीं क्योंकि मॉल में मैडम बहुत ज्यादा बिजी थी शॉपिंग करते हुए. और शॉपिंग हमने की क्या है? हमने करी खरीदी चप्पल. एक बार और मारो नहीं तो काला कुत्ता काटेगा. नहीं तुम्हें तुम्हें काटना चाहिए. काला कुत्ता काटेगा. तुम्हें काटना ही चाहिए. हम लोग अब कल दिखाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ ना कुछ मेकअप का सामान भी लिया है. ये रहा. तो मैं आपको कल मिलती हूँ और कल दिखाती हूँ अपने अगले ब्लॉग में. हम लोग अब जा रहे हैं अपने बच्चों के पास. अब ज्यादा इससे ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो सकती है. हम आज बच्चों से नहीं मिलवाएंगे. टिल देन आप लोग नाराज होते रहिए और देखिए हमारा. अरे हम नीचे आ गए. ब्लॉगिंग करते करते जहाँ से आए थे वहीं पहुँच गए हैं. तो हम आपको मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में. टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट. तुम तो कह रही थी मैं बहुत थक गई हूँ बेबी शॉपिंग कर करके चल चल के. देखो ना चप्पल कितनी अच्छी ली है. क्रॉक्स मेरे बेबी ने बड़ी अच्छी ली है. देखो चप्पल अब चप्पलों से मारे. मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ फिर आप नाराज हो जाते हो कि बच्चों को नहीं दिखाया. ये लो मेरे बच्चे.